रुक्मणी माता जी की मूर्ति लेकर कुंडलपुर में स्थापित करने निकली भव्य शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत। बांधकपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हुए शोभा यात्रा में शामिल। बांधकपुर में भव्य स्वागत के बाद कुंडलपुर मठ के लिए रवाना। दमोह आज माता रुक्मणी जी की प्रतिमा कुंडलपुर में बने माता रुक्मणी की कुंडलपुर स्थित मठ में स्थापित होने जा रही है, जिसके चलते शहर के कोतवाली थाने के सामने स्थित पुरातत्व संग्रहालय से माता रुक्मणी की मूर्ति के लिए किए गए विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के बाद रथ पर सवार होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, कुंडलपुर के लिए रवाना हुई, जिसका लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा कीर्ति स्तंभ, घंटाघर, बकौली चौराहा, पुराना थाना, बटपुरा, धर्मपुरा होते हुए बांधकपुर पहुंची, जहाँ बांधकपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भगवान भोलेनाथ के लिए जलाभिषेक करने के उपरांत शोभा यात्रा में शामिल होकर पूजन अर्चन के बाद यहां से पटेरा कुंडलपुर के लिए रवाना हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां और अखाड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर मुख्य मार्गों से निकलने वाले वाहनों को आवाजाही पर विराम लगाया गया, जहाँ निर्धारित डायवर्शन से ही वाहनों को आने जाने की अनुमति रही, जहाँ जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर भारी पुलिस एवं प्रशासनिक बल तैनात किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह, विधायक अजय टंडन, जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा विधायक पीएल ततुवाय, नेताओं और जिले भर से पहुंचे गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। रहा आप क्या बदल के आए।